हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब जीनी। रोज़ की तरह मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक और नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेके। हमारे पास आज की जो जॉब है वो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जॉब, इस्लामाबाद की। ये जॉब्स हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की मालूमात जो है हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम शुरू कर लें अपनी वीडियो को। ठीक है जी, इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाके आप लिखेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की जॉब। इसमें जो पहला लिंक आपको मिलेगा इसका अपना ही लिंक होगा, NTU का ऑफिशियल लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट हमारे पास खुल जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। वन बाय वन हम फटाफट अपनी पोजिशन देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली जो पोस्ट है हमारे पास वो है पर्सनल असिस्टेंट की। पे स्केल इसका SG8 का है, जिसमें आपको सैलरी पैकेज जो है 20,000 से लेकर 60,000 तक का मिलेगा। नंबर ऑफ पोजीशन जो इसकी एक अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन में इसके लिए आपके पास BA या BSc की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट या DEO, UDC वगैरह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में। टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 35 से 40 वर्ड्स पर मिनट होनी ज़रूरी है। उसके बाद जी अगली पोजीशन हमारे पास मैकेनिस्ट की है, जिसमें सैलरी पैकेज 20,000 से 60,000 तक का दिया जाएगा। एक सीट अवेलेबल है। इसके लिए जो आपके अप्रोप्रिएट स्किल्स होने चाहिए, मिनिमम एजुकेशन आपके पास मैट्रिक की होनी चाहिए, उसके साथ साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ऑफसेट प्रिंटिंग एनवायरमेंट का। थर्ड पे जी हमारे पास है ऑफिस असिस्टेंट की पोजीशन, जिसमें भी सैलरी पैकेज आपको 20,000 से 60,000 तक का मिलेगा। एक पोजीशन इसकी अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन में इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो एक्सपीरियंस में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा एज अ UDC किसी भी पब्लिक सेक्टर में या यूनिवर्सिटी में। इसके साथ साथ 6 वीक का आपका बेसिक IT ट्रेनिंग का कोर्स होना लाजमी है। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास मेडिकल असिस्टेंट की है, इसका भी सैलरी पैकेज 20 से 60,000 मिलेगा आपको। एक सीट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट या डिस्पेंसर का कोर्स किया हुआ होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस जो है कम से कम 5 साल का रेलिवेंट फील्ड का दरकार है। नेक्स्ट हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन है। सैलरी पैकेज इसमें 18,000 से 55,000 तक का दिया जाएगा। 2 सीटें अवेलेबल हैं इसके लिए। क्वालिफिकेशन में जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथ्स, स्टैट या इकोनॉमिक्स में, और टाइपिंग स्पीड जो है आपकी 10,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए डाटा एंट्री के लिए। नेक्स्ट ये है ISP ऑपरेटर की। 16,000 से 48,000 तक सैलरी पैकेज है इसमें। एक सीट अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन में ICSE FSC रिक्वायर्ड है, प्लस 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंसेज में। नेक्स्ट जी 7 नंबर पे है बुक बाइंडर की। 10,000 से 30,000 सैलरी पैकेज है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और 3 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेकेंड लास्ट में सैनिटरी वर्कर की है। 8,000 से 25,000 सैलरी पैकेज मिलेगा आपको। इसके लिए आपका बस पढ़ा लिखा होना और 1 साल का रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और जी लास्ट में हमारे पास नायब कासिद की पोजीशन अवेलेबल है। सैलरी पैकेज इसका भी 8,000 से 25,000 तक का है। एक ही सीट अवेलेबल है और इसके लिए आपका मिडल पास होना लाजमी है। अब आ जाते हैं जी इस पे अप्लाई करने के तरीके पे। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर 2022 है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जी एक चलान फॉर्म पे करना होगा, यानी सीरियल पहले 1 से 6 तक, यहाँ तक ISP ऑपरेटर तक जो है 500 का चलान फॉर्म फिल कराएंगे, और जो 7, 8, 9 ये आखिरी 3 पोजीशन है इन्हें 250 रुपये का चलान फॉर्म भरना होगा। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन यही जो NDU की वेबसाइट है ये ओपन करनी है। यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन देखेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म पहले सबमिट करना होगा। मैं अकाउंट क्रिएट नहीं कर रही, यहाँ से आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। फिर साइन इन करके आपके सामने ईमेल पासवर्ड डालेंगे। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास सामने ओपन होगा आप उसको फिल करेंगे, ऑनलाइन सबमिट कराएंगे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेंगे। यहाँ पे मेंशन है आपने उसकी हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की वो लेनी है जिस पे आपने अप्लाई किया होगा वेबसाइट के थ्रू। उसके बाद ही उसके साथ आपने अटैच करनी है अटेस्टेड कॉपीज अपनी CNIC की, डोमेसाइल की, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, 2 पासपोर्ट साइज तस्वीरें लगानी है, ओरिजिनल जितने भी ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट नहीं है जो आपने चलान फॉर्म फिल किया होगा, ये इस सारी जो चीज़ें हैं ये आपने कुरियर करवानी है यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिया गया है डिफेंस यूनिवर्सिटी का, इस्लामाबाद का सेक्टर E9 का, इस पे जो है आपको कुरियर के जरिए भिजवा देनी है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।
ठीक है जी, इजी सा प्रोसीजर है, इस पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारी सीटें हैं, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है जॉब के लिए, तो इन पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।